रविवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में संगठन आचार्य जी शिक्षक महासंघ जितेंद्र ओझा के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। शिक्षकों को समायोजित करने के लिए किए गए इस बैठक में विभिन्न जिलों से भारी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ भाजपा उत्तर प्रदेश जितेंद्र ओझा ने कहा कि पिछले समाजवादी सरकार में लखनऊ में लक्ष्मण मेला मैदान में हम लोगों ने हजारों की संख्या में लगातार अनशन किया। परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा सहायक अध्यापक के रूप में भर्ती के लिए आश्वस्त किया गया था, लेकिन बाद में सरकार ने छलावा देकर हमारे साथ धोखा किया है। वर्तमान की भाजपा सरकार से हमें उम्मीद है कि हमें कहीं न कहीं योग्यता के अनुसार समायोजित करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संरक्षण आचार्य जी शिक्षक महासंघ जितेंद्र ओझा ने कहा, सर्वश्री नसीमा खातून, ये हुआ जिले पर आकर उबाल आया कि 10-10 हजार रुपया आप बात कर लीजिए। तो 10-10 हजार क्या वसूला जा रहा है? जो लोग आज यहाँ आए हैं कोई पैसा नहीं, अकाउंट होल्डर है भाई साहब, उनका तो होना नहीं है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। कम से कम मुकदमा नंबर तो दो भाई। वैकल्पिक शिक्षक आचार और मदरसा निदेशकों की बैठक है। ये काफ़ी दिन से लड़ाई चल रही है। पिछले अखिलेश सरकार में 3 महीने 20 दिन लक्ष्मण मेला लखनऊ के मैदान में हम लोग बैठे थे धरने पे, लगभग 5-6 हजार की संख्या में। तो उसमें प्रस्ताव भी पास हुआ, कैबिनेट में मंजूरी भी हुई और प्रेस भी गजट हुआ, लेकिन किस कारण से सरकार ने फिर लोगों को मूर्ख बना दिया, सारे शिक्षकों को। और अब स्थिति ये हो गई है कि हम लोग अनुचर की मांग पे आ गए हैं कि भाई चपरासी ही बना दिया जाए, पेट तो चले, कम से कम रोटी रोजी चले। तो योगी सरकार ने फैसला लिया है कि जुलाई अगस्त के महीने में इस डिसीजन को फाइनल करने के लिए, वैसे तो लास्ट जुलाई में फाइनल वो करना चाहते हैं। 25-26 को भी लखनऊ में बैठक होने वाली है कि इनको विभिन्न विभागों में समायोजित कर दिया जाए अनुचर के पद पर, और जिसकी योग्यता अच्छी है उसको कुछ योग्य स्थान पर रखा जाए। 11,500 इनकी संख्या है, शिक्षा मित्रों के साथ इनकी नियुक्ति है, लेकिन इनके साथ विश्वासघात लगातार हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी सरकार विश्वासघात नहीं करेगी। यदि ऐसा हुआ तो मैं सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। मैं इस समय प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं भारतीय जनता पार्टी का, जितेंद्र ओझा मेरा नाम है।